नमस्कार। यूपी सरकार का वैर फैसला। लॉकडाउन के दौरान राज्य में कहीं भी पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोरोना महामारी से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, हम सभी जानते हैं और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो इसका पालन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए लोगों की वजह से देश कोरोना का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा नमाज को लेकर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई के लिए पुलिस जाती है तो उस पर हमला करने की भी घटनाएं सामने आ रही है। इंदौर में तो टेस्ट करने की टीम पर ही हमला बोल दिया गया। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने से मना करने पर पुलिस पर भी भीड़ से लाठी डंडे व सरियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक दरोगा और दो कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में अब इनसे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में कहीं भी पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद अपराधियों व अराज कर्तव्यों पर लगाम लगाने में पुलिस को मदद मिलेगी। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दे, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में ही रहें। धन्यवाद।